हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। एंड गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने क्राफ्टिंग बोर्डिंग की जो यूआई है उसको क्लासिक में कैसे कर सकते हो, जैसा कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में होती है। एंड जैसा कि आप लोग मेरे की देख सकते हो, मेरी भी हो चुकी है क्राफ्टिंग बोर्डिंग में पॉकेट की यूआई क्लासिक में। एंड मैं खेल रहा हूँ एकदम माइनक्राफ्ट जावा की जैसे। आप लोग अगर मोबाइल पे अपने खेलना चाहते हो वो भी माउस की तरह क्रजर से, तो आप लोग इस ट्रिक से खेल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने माउस से खेल रहा हूँ, सेटिंग्स एकदम जावा जैसी हो गई है। एंड मेरा माउस आप लोग देख सकते हो। एंड अगर मैं अपने में बटन हाइडर पैक लगा लेता हूँ तो मेरे हाइड कंट्रोल्स हो जाएंगे, जिसके बाद भाई फुल्ली जावा फील आने वाली है खेलने में। तो मैंने आपको दिखाने के लिए वो पैक नहीं लगाया, वरना आप लोग सोचते भाई ये क्राफ्टिंग वोडिंग नहीं है। तो ये क्राफ्टिंग वोडिंग है, सेटिंग एकदम जावा जैसी है। एंड माइनक्राफ्ट क्रेजर जैसा लग रहा है जैसे मैं माउस से खेल रहा हूँ। एंड ये एकदम क्लासिक यूआई हो चुकी है। अपने जो हल्ट बार है, हंगर बार थे, वो एकदम नीचे आ चुके हैं। बस बटन हाइडर लगाने से हमारे सारे कंट्रोल्स हाइड हो जाएंगे एंड हम लोग एकदम माइनक्राफ्ट जावा अपने क्राफ्टिंग वोडिंग में भी खेल पाएंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी, जैसा मैंने अपने क्राफ्टिंग बोर्डिंग को एकदम माइनक्राफ्ट जावा में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस वाली यूआई को कैसे लगाना है, ये कैसी आपके मोबाइल पे आएगी। एंड ये माइनक्राफ्ट क्रजर, सॉरी माउस क्रजर, मैं अपने मोबाइल पे कैसे चला रहा हूँ। सो मेरे को वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर न्यू आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहती है। जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, बिकॉज वहाँ पे मैं मैसेज एंड स्टोरीज लगाता रहता हूँ वीडियो से रिलेटेड। तो जाके फॉलो कर लो, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन। एंड मेरे से बात करने के लिए या फिर एक टूर्नामेंट में स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ आप सबका, जिसमें मैं भी आप सबके साथ खेलूँगा वॉइस चैट के साथ। तो जाके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैसेज कर देना, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन। एंड चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग देख सकते हो मैंने माइनक्राफ्ट क्रजर, जो ये माउस क्रजर, इसका काम क्या है। आप लोग कहीं पे भी इसे स्टोर कर सकते हो, इसको ले जा सकते हो इजीली, जिससे काफ़ी बढ़िया फील आने वाली है। एंड सेटिंग्स पे जाने के बाद में आप लोग देखो कितना मस्त लग रहा है भाई साहब, एकदम जावा जैसा। एंड ये तो हो गया माइनक्राफ्ट क्रजर, बस इस यूआई में आपकी सेटिंग्स एकदम जावा जैसी हो जाती है। ये माइनक्राफ्ट, ये माउस अलग है एंड ये सेटिंग्स एक ही यूआई की है, जिसमें क्लासिक आप लोग कर सकते हो। तो आपको ऑप्शंस पे जाना है, देन यहाँ पे जो ऊपर की तरफ में सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा साइड पे ऊपर, इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे देखो यूआई प्रोफाइल होगा आपका पॉकेट, तो आपको यहीं पे आके ऐसा होगा आपको दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके क्लासिक का लेना है। देन यहाँ पे डन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे वापस से डन पे करना है, बैक टू गेम पे करना है, आपकी नीचे आ जाएगी। वैसे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि नॉर्मली आपकी पहले कैसी होगी। तो सेटिंग्स ऑन और या, तो आपकी कुछ ऐसी होने वाली, जब आप लोग गेम में आओगे तो आप लोग सोचोगे भाई ये तो वर्क नहीं कर रहा है। आपको सेटिंग पे जाना है, तो आपकी सेटिंग भाई एकदम बदली दिखेगी, लॉबी भी काफ़ी चेंज हो जाएगी, एकदम माइनक्राफ्ट जावा जैसी हो जाएगी, बिकॉज ये बैडलाइन स्टैंड है। देन ऑप्शंस पे जाना है, देन आपको जाना है ऊपर सेटिंग्स पे, एंड यहाँ से आपको इसको और क्लासिक कर देना है। एंड देन एंड यहाँ से आप लोग थर्ड पर्सन व्यू भी चेंज कर सकते हो, जो सेटिंग्स के नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ से, बट मुझको नहीं चेंज करना है। डन पे क्लिक करना है, बैक टू गेम पे आ जाना है, एंड आपका ये देखो वापस से क्लासिक हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये माउस वाला चाहिए जिससे एकदम तगड़ी फील आती है खेलने में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी मैं डायरेक्ट लिंक नहीं दे सकता, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ मीडिया फायर, जो कि आप लोग ढूंढते हो वो आपको मिल जाएगी मेरे सेकेंड चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में। यस, तो आपको क्या करना है, मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको मेरे सेकंड चैनल पे जाना है, देन कम्युनिटी टैब पे जाना है, जो कि मैंने जहाँ पे पोस्ट की जाती है, देन जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट होगा उसकी कमेंट सेक्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके अपना डाउनलोड करके JDIP हटा के JDKeyword से या फाइल मैनेजर से अपने गेम में इम्पोर्ट कर लेना है। एंड चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एंड चलो अब आपको बताता हूँ कि आप लोग एक क्लासिक वाली यूआई कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप लोग जान गए होंगे कौन सा ऐप है, एडॉन फॉर माइनक्राफ्ट, इसको डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किया। एंड चलो इसको ओपन करते हैं, देन आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, आपको आ जाना है अपने एडॉन फॉर माइनक्राफ्ट पे, देन वहाँ पे क्या करना है, आपको सर्च करना है स्लाइंड। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग स्लाइंड सर्च करोगे, आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये स्लाइंड मिल जाएगी, बैडलाइन स्लाइंड टेक्सचर पैक। आप लोग इसका व्यू देख सकते हो एकदम इजीली, तो सिंपली इसकी लॉबी आप लोग देख सकते हो, सेटिंग्स भी आप लोग देख सकते हो कैसी हो गई है, तो सेम ऐसी ही हो जाती है। लोडिंग स्क्रीन आप लोग यहाँ से देख सकते हो कैसी है, एंड लॉबी आप लोग देख सकते हो ऐसी कुछ जब माइनक्राफ्ट जावा की हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको जहाँ टीवी लिखा है ऊपर, यहाँ पर आपका गेमर टैग देंगे,
एंड यहाँ पे आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है, 12 MB का है, एंड स्टॉप पे क्लिक करना है, ओपन करना है, कंटिन्यू करना है, क्राफ्टिंग वाली या माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में इंपोर्ट कर लेना। आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके में मैसेज आएगा इंपोर्ट स्टार्टेड एंड देन आएगा आपको सक्सेसफुली, बट मेरे में इसलिए दे रहे हैं फ्लेट टू इम्पोर्ट बिकॉज मेरे में पहले से ही है। देन आपको क्या करना है, आपके में इम्पोर्ट हो जाए, सेटिंग्स पर जाना है, टेक्सक ग्लोबल रिसोर्सेज पर जाना है, एंड सेम आप लोग जब बैड लॉन्च लैंड मेरे में आ चुकी है एंड जब आप लोग मेरे सेकंड चैनल कमेंट सेक्शन में जो जाके जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर लिंक मिलेगी, वो डाउनलोड करके ZIP हटा दोगे तो ये वाला आपका देखो ये सेकंड नंबर वाला जो पैक है ये वो क्रजर वाला है जिसमें माउस आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों पैक इंपोर्ट कर लेना या फिर आप लोग एक एक भी कर सकते हो, कोई भी एक्टिवेट आपको दोनों अच्छे लगते हैं दोनों करना है वरना एक कर भी सकते हो। तो मैंने में दोनों इंपोर्ट कर लिए तो दोनों को आपको सिंपली एक्टिवेट करना है सेटिंग से बैक हो जाना है, देन आप लोग कुछ आपको अलग देखने को मिलने वाला है एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। आप लोग देख सकते हो अपना ये माइनक्राफ्ट क्रजर माउस क्रजर आ चुका है जिससे आप लोग देख सकते हो एकदम ईजिली आप लोग कहीं पर भी जा सकते हो एंड ये काफ़ी मस्त है। एंड आप जो अपना एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट से हमने UI डाउनलोड की उसको देख सकते हो भाई साहब कितनी मस्त लॉबी हो चुकी है, मतलब जावा जैसी है। इसके ऑप्शन सेटिंग्स भी देख सकते हो एकदम जावा जैसी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो म्यूजिक एंड साउंड सब भाई एकदम जावा हो चुका है। एंड आपको यहाँ पे वर्ड्स की भी दिखा देता हूँ सिंगल प्लेयर की, तो यहाँ पे भी देखो पूरा एकदम जावा जैसा हो गया है, सर्वर्स भी एकदम जावा जैसे हो गए हैं, काफ़ी मस्त है ये वाली UI। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हुई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना एंड सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर दो गेम प्ले वीडियोस के लिए बिकॉज कल या परसों में सुबह तगड़ी गेम प्ले वीडियो आने वाली है। सो जाकर सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं तो फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना मेरे से बात करने के लिए। एंड आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।